मंत्री जी जो हैं वो बात करते होस्टिंग द वन ऑफ द सीरीज ऑफ फेड कप्स इंडिया हैज बीन कंपीटिंग इन इट फॉर मेनी इयर्स नाउ ऑल द एथलीट्स हु कम फ्रॉम दीस लवली कंट्रीज विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे द बेस्ट प्लेयर वन यू नो यू पुट इन अ लॉट ऑफ ब्लड एंड स्वेट एवरी डे मेक इट काउंट टुडे and all the kids you're going to see some lovely action so you could learn a lot from here congratulations to all of you all the participants and to the organizers and I am so glad to officially declare the games open ye the hamare sports aur youth affairs minister adhor vardhan sahab unhone sabse kaha ki yahan pe jo khiladi aaye hain unka khel dekh kar jo bacche wagaira hain unka development hoga wo unko bhi kuch seekhne ko milega वो हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर राठौड़ साहब थे और उन्होंने उद्घाटन किया और चेयर अंपायर जो है वो टॉस करने के लिए तैयार उन्होंने सिक्का उछाला और डिसाइड किया और उन्होंने चाइना की टीम में जो है टॉस जीता और अब ये फैसला करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी जो है सर्विस करेगा और कौन करेगा दोनों खिलाड़ी मैदान के ऊपर उतर चुके हैं आप देख रहे हैं कमेंटेटर बॉक्स की तरफ जो है सामने हमारे शुरू जो है नीचे वो जो लाल जर्सी के अंदर जो है चाइना की खिलाड़ी याफन वांग चाइना की जो कि जिनकी रैंकिंग जो है विश्व के अंदर जो है 158 है 158 और जबकि वो अपने देश के अंदर नंबर दो हैं शी इज़ नंबर टू इन दी हर कंट्रीज एंड वर्ल्ड रैंक्ड 158 वेयर इज यू कैन सी करमर कौर थांडी इज़ 19 ईयर्स इंडियन प्लेयर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है उभरती हुई खिलाड़ी हैं अपकमिंग प्लेयर्स अंकिता भांबरी आज की टीम की जो है भारत की वो कप्तान हैं देखिए और चेयर एम्पायर ने जो है इशारा किया है खेल को आरंभ करने के लिए इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है आर के खन्ना स्टेडियम का हवा तेज चल रही है मैच अब शुरू होने वाला एशिया ओशियाना जोन ग्रुप वन फेडरेशन कप टाई का पहला मैच थैंक यू सेट पहला गेम प्लीज सर्विस करेंगी भारत की आप कमेंटेटर बॉस के सामने से नीले ड्रेस के अंदर अपर में और सफेद अपना उनका जो है कैप थोड़ा समय लेते हुए कर्मर और पहला सेट पहला गेम पहली रबर भारत की खिलाड़ी करमन कौर थांडी सर्विस करने के लिए थोड़ा समय लेते हुए कोर्ट के अपने दाई तरफ से काफ़ी समय लेती हैं सर्विस करने के लिए वो पहली सर्विस उनकी नेट के अंदर फॉल्ट अभी दूसरी सर्विस करने के लिए वो समय लेती हुई बॉल को पटकते हुए पहला शॉट थोड़ा उनका नेट के अंदर कोर का और ये पॉइंट वाला पहला पॉइंट चाइना को वांग को थैंक यू क्वाइट प्लीज याफन वांग चीन के खिलाड़ी लव 15 शून्य 15 थांडी करमन कौर थांडी 19 वर्षीय भारत के खिलाड़ी जो कि खेल रही हैं याफान वांग चाइनीज नंबर टू और रैंक नंबर 158 प्लेयर के खिलाफ थांडी सर्विस करने के लिए तैयार थोड़ा समय लेते हुए अपने कोर्ट के बाईं तरफ से बेहतरीन फोरहैंड शॉट थांडी का प्रशंसा करनी होगी क्रॉस कोर्ट शॉट और पॉइंट बनाए चाइनीज खिलाड़ी उसे रिटर्न करने में असफल बेहतरीन रैली अब तक की ये बेहतरीन रैली 15-15 की बराबरी 15 ऑल जैसा मैंने पहले कहा कि उनकी हाइट अच्छी है तो उनको जो है सर्विस में भी एडवांटेज होता है और क्रॉस कोर्ट शॉट खेलने के अंदर भी उनको अच्छी हाइट मिलती है सर्विस करने के लिए तैयार थांडी अपने कोर्ट की दाईं तरफ से बेहतरीन शॉट और इन्होंने क्रॉस कोर्ट छोड़ लिया पहले ही नेट के ऊपर आके उन्होंने पोजीशन बनाई अपनी एक अच्छा एंटिसिपेशन परफेक्ट एंटिसिपेशन
good tennis, good footwork, good action. Tees 15, 30, 15, Thandi. Replay आप देख सकते हैं, बेहतरीन उनका anticipation था और बेहतरीन calculation उनका, मैं कहूँगा इस point के लिए. 30-15 अपने court के बाईं तरफ से service करने के लिए तैयार Thandi भारत की. पहली सर्विस फॉल Thandi की. 30-15, 13-15 इंडिया. कर्मर कौर Thandi 30-15. Thandi ने थोड़ा सा ये कहा कि ये ऑब्जेक्शन किया है और ये पॉइंट, लेकिन लाइन अंदर लाइन के था तो ये पॉइंट मिला चाइनीज प्लेयर को. 30-30 की बराबरी. थोड़ा कंफ्यूजन हुआ आप देख सकते हैं Thandi को, क्योंकि लाइन के तकरीबन थोड़ा सा जरा सा फ्यू सेंटीमीटर्स अवे. 30-30 की बराबरी. सर्विस करने के लिए तैयार Thandi अपने कोर्ट की दाईं तरफ से. पहली सर्विस फॉल नेट के अंदर Thandi की. He just he was not she was not actually confident about this match. She missed this point easily, so now it's the break point for Chinese player. 30-40 ke upar service karengi. Thandi ne thodi si jaldi kari. It was an easy shot for Thandi. She could have returned it, but she tried it a bit early and that's why she missed the opportunity. 30-40. और ये बार योर ब्रेक सर्विस करी चाइनीज खिलाड़ी ने. मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको धैर्य रखना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था Thandi को. उन्होंने एक नेट के ऊपर आने के बाद काफ़ी जल्दी उन्होंने करी और वो पॉइंट गवाया. उनकी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए पॉइंट लेने के लिए, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन सर्विस करती हैं, लेकिन नेट के ऊपर आके उन्होंने ये पॉइंट गवाया और ये एक फर्स्ट ब्रेक हुआ. इस वक्त वह एडवांटेज रहेगा चाइनीज़ खिलाड़ी को, क्योंकि कम से कम आपको अपनी सर्विस होल्ड करनी चाहिए जब आप सर्विस करते हैं, वरना आपको डिसएडवांटेज हो जाता है और आपको खुद जो है वो आप प्रेशर में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं. बट इट इज़ जस्ट बिगनिंग ऑफ द मैच, बिगनिंग ऑफ द सेट. डजंट मैटर, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम. चेयर एम्पायर वांग इज रेडी टू सर्व फ्रॉम राइट साइड फॉर सर्विस फॉल्ट. Yafin Wong. Good shot, cross court shot by Thandi. Perfect shot, good anticipation. Left 15. Shunya 15 ke upar service karne ke liye taiyar. Wong. Chin ki number 2 khiladi. बेहतरीन क्रॉस कोर्ट शॉट या वांग का प्रशंसा करनी होगी. नेट के ऊपर आके पहले से एंटिसिपेट किया और ये पॉइंट लिया. 15-15 की बराबरी. 15-all. पहला गेम जो है वो वांग जीत चुकी हैं और अपनी सर्विस को अभी होल्ड करने के लिए प्रशंसा करते हुए प्रयास करते हुए. पहली सर्विस उनकी नेट के ऊपर फॉल्ट वांग की. 15-15. 15-all. ये तो बिल्कुल ही हाफ हार्टेडली शॉट खेला Thandi ने अपने बैकहैंड से. काफ़ी इजी था उनके लिए, अप्रोच भी उनकी सही थी, लेकिन थोड़ा सा रैकेट का जो है एंटिसिपेशन कनेक्ट नहीं कर पाई बॉल से. सही पॉइंट गंवाया और 30-15 के ऊपर बढ़त लेते हुए वांग चीन के खिलाड़ी सर्विस करने के लिए तैयार अपने कोर्ट के बाईं तरफ से. 30-15. शी इज़ लीडिंग बाई 1-0 इन सेट नंबर 1, रबर नंबर 1. 30-15. फर्स्ट सर्विस फॉल्ट.
Wong is still taking some time in doing her service. Wait, please. She's leading 30-15 in game number two. She has already won the first game of the first set, first ever. She is still taking some time. This was out. Good opportunity for Indian player Thandi, 30 all. I think if Thandi plays like this and she concentrates on her backhand and forehand volleys, you can shear between and points, service, she can definitely already do miracles. But it is not an easy cake for her because Chinese player is also a good player. 30-30 ki barabari. Pehli service fault. Wong ki. Yafan Wong. Guys, hello. विश्व रैंकिंग 158 है वांग की. बेहतरीन शॉट, इनसाइड आउट, बैकहैंड को कवर करके फोरहैंड से खेला थांडी ने. बहुत ही डिफिकल्ट शॉट था उनके लिए और ये पॉइंट मिला और मैं समझता हूँ बेहतरीन, आप देख सकते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सर्विस ब्रेक करने के लिए. अगर थांडी कामयाब होती हैं सर्विस ब्रेक करने में तो फिर एक एक की बराबरी हो जाएगी और जो उनका पिछला ब्रेक हुआ था सर्विस का उसका बराबरी हो जाएगी. थोड़ा जल्दी करिए, कैसे पूरा कोर्ट खाली था बैकहैंड का थांडी के लिए और थोड़ा सा बढ़ के खेलना चाहिए था. मैं समझता हूँ एक स्टेप अगर वो आगे और लेती, फुटवर्क उनका थोड़ा सा गड़बड़ रहा है इसके अंदर. एक आसान कोर्ट के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, मिस करी. ड्यूज 40-40, फर्स्ट ड्यूज ऑफ दिस मैच ऑफ दिस सेट ऑफ दिस गेम. पहला ड्यूज. सर्विस करने के लिए तैयार वांग कोर्ट के दाईं तरफ से. पहली सर्विस अच्छी और थांडी ने जो है बैकहैंड से उठाने का प्रयास किया था लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाई प्रॉपरली और ये एडवांटेज चाइना, एडवांटेज टू याफिन वांग ऑफ चाइना. पहली सर्विस फॉल्ट वांग की. बेहतरीन आउटसाइड इनसाइड आउट शॉट वांग का और ये गेम लिया आसानी से 2-0 की बढ़त चीन को पहले सेट के अंदर, पहले रबर के अंदर. थांडी हैज़ टू रियली टेक इट सीरियसली अदरवाइज शी विल बी लूजिंग 0-3 इफ शी मिसेज दिस गेम और दिस अपॉर्चुनिटी. शी स्टिल हैज गॉट द सर्विस इन हर हैंड. शी इज़ गेटिंग रेडी टू सर्व फ्रॉम हर बैक हैंड साइड ऑफ द कोर्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द कोर्ट. सर्विस फॉल. शी इज टेकिंग सम मोर टाइम इन सर्विंग. गुड सर्विस. दिस सर्विस हैज गॉट सम स्पिन, टॉप स्पिन सर्विस एंड द चाइनीज प्लेयर कुडंट रियली एंटिसिपेट और जज हाउ टू रिटर्न इट एंड शी लॉस्ट द पॉइंट. नाउ ड्यूज, अनदर ड्यूज and another opportunity for Thandi to get this game, to win this game at least and to make it 1-2. Oh no, she couldn't really take this backhand. It was an easy opportunity for her also, an advantage to Chinese player Wong. A break point for Chinese player. Thandi should take it seriously and should try to make it deuce and then win this game if she wants to remain in the game with less lead. A very good point, really. Very good forehand shot by Thandi. I was saying you definitely she has to play very seriously, very confidently, with patience and with energy and enthusiasm. Then and only then she can really take this and win this game and perform better.
Now she is getting ready to serve from the right side of the court, right side of the court, Thandi. Beautiful shot, forehand shot by Thandi. And now advantage to Thandi. And the spectators are really enjoying this quality tennis this time at the RK Khanna Stadium, New Delhi. Wonderful tennis is in the progress. Ladies event, Asia-Oceania Zone Group 1 match, first match, India versus China, is in progress at RK Khanna Tennis Sports Complex, New Delhi. Thandi is taking some time to serve from the left side of her court. First service fall. It was quite fast service. This was again out, and another deuce number two. Yes, still, both the players are trying their level best. I think Thandi must take this point in this game. She should serve confidently and carefully. Beautiful coverage, wonderful rally, marvelous point by Thandi. I should praise her, no words to praise her properly, really. Wonderful tennis. Both the flanks, wonderful, good forehand shot, good backhand shot, and good net coverage. She took this point very beautifully, perfectly, Thandi. Kudos to her, really. Advantage to Thandi, advantage to India. First service net. She is getting ready to serve from her left side of the court, taking some time to serve. First service fall. Thank you. Now crucial point, crucial service for Thandi. I'll say it's very, very crucial for her. Yeah, she got it at last. What I told you, it was very crucial point for Thandi, and the game was also very crucial, and she got it. Net check, sir. There you are, another huge point, as I was saying, Ahmed, too early in the point. She was better off just rallying longer. She's down love 15. She was better off just keeping more balls in play. आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये काफी मैं देखता हूँ स्ट्राइप की रिपीटेडली मिस्टेक कर रही हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए अगर गेम में रहना है उनको. This is an important game for Karman. If she can somehow hold here, she'll make the Chinese girl serve it out. A little more pressure on the Chinese girl just to serve out for the set. So important to hold.
1-5 is a pretty insurmountable lead, no doubt. That is a difficult angle to go for, Ahmed. She was going for a short cross-court backhand. Just not called for. I thought she was better off just keeping the ball in play. सही कहा आपने बिल्कुल, लेकिन काफ़ी मिस्टेक कर रही हैं वो, वैसी जो है बॉल को भी अटैम्प्ट करती हैं जो कि अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, इसी वजह से वो अभी तक लूजर रही हैं और 1-5 की से वो जो है ट्रेल कर रही हैं. सर्विस करने के लिए तैयार अपने कोर्ट के दाईं तरफ से पहली सर्विस फॉल. थोड़ा समय लेते हुए सर्विस करने के लिए तांडी अपने कोर्ट के दाईं तरफ से. 30-30 की बराबरी है इस गेम के अंदर, गेम नंबर 7. बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट, प्रशंसा करनी होगी. बहुत ही कॉन्फिडेंट शॉट, अच्छा फुटवर्क, अच्छा एक्शन और ड्यूस फॉर इंडिया. मैं समझता हूं कि अगर वो अपनी सर्विस होल्ड करती हैं तो आगे गेम में और उनको आसानी रहेगी खेलने के लिए. समय लेते हुए सर्विस के लिए थांडी. बेहतरीन शॉट, प्रशंसा करनी होगी वांग की, चाइनीज खिलाड़ी की. उन्होंने पहले से पोजीशन ली आगे बढ़ के, दो स्टेप अपने कोर्ट के दाएं तरफ राइट साइड पे और ये पॉइंट लिया ड्यूस. इस गेम का ड्यूस नंबर 1, पहला ड्यूस. 40-40 की बराबरी. थांडी सर्विस करने के लिए तैयार अपने कोर्ट के दाएं तरफ से. थोड़ा समय लेते हुए सर्विस करने के लिए थांडी, 19 वर्षीय खिलाड़ी भारत की. बेहतरीन शॉट डाउन द लाइन, फोर एंड शॉट. प्रशंसा करनी होगी अब तक का सबसे तेज और सबसे सुंदर परफेक्ट शॉट. थांडी ने पहले से पोजीशन ली, अच्छा फुटवर्क पोजीशन ली जाके आगे बढ़ाकर और कॉन्फिडेंटली, अच्छा उनका स्विंग, अच्छी पावर. एडवांटेज टू इंडिया. No, this time she was not sure. और ये फिर ड्यूज नंबर 2. But she has the big shots, Ahmed. She does go for it. She potentially is a big match player. She's tall. She's got that big serve. She's got that big forehand that she goes for repeatedly. Creates the openings. But perhaps needs to contain herself, as I've been repeatedly saying. Just keep more balls in play. Because she hits the same shot at love 40 as she does at 40-15, and you got to have a, it's important to have the right shot selection based on the score line. Sahi kaha aapne Sanjeev, bilkul right selection of the shot and point and ball is very important. That is the anticipation every player has to keep in mind, and that she is doing right now. बेहतरीन शॉट अब तक का, प्रशंसा करनी होगी. बेहतरीन रैली पूरे मैच की जो है, सबसे अच्छी रैली, सबसे लंबी रैली. दोनों ही खिलाड़ियों ने क्रॉस कोर्ट फोर हैंड और बैक हैंड शॉट लगाए इसके अंदर, जैसा कि आपने देखा. लेकिन प्रशंसा करनी होगी थांडी की, उन्होंने आखिरी पॉइंट लिया ड्यूस. सर्विस करने के लिए तैयार अपने कोर्ट के दाईं तरफ से थांडी. पहली सर्विस फॉल. बेहतरीन शॉट, वर्ल्ड क्लास शॉट, वेरी गुड एंटिसिपेशन, परफेक्ट फुटवर्क. फुटवर्क जितनी तारीफ की जाए कम है. बेहतरीन रैली और एडवांटेज है थांडी के लिए. मैं समझता हूँ बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पॉइंट थांडी के लिए.
और ये पॉइंट और ये गेम मैं जैसा आपसे कह रहा था संजीव कि शी हैज हाइट शी हैज सर्विस शी हैज रीच एंड शी हैज शोन दैट इन दिस गेम एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वॉन इट व्हाट इज योर ओपिनियन संजीव एब्सोल्युटली आई थिंक दिस वाज अ बिग गेम फॉर हर इवन इफ दिस सेट स्लिप्स अवे इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ मोरल बूस्टर फॉर हर गोइंग इनटू द सेकंड सेट ऑफ कोर्स The set's not lost yet, so you're going to make the Chinese girl serve it out. And there's always that pressure to serve it out in a set, even if you're up 5-2. Let's see if she can come back. Love and serving. That's a commanding position to be in, Ahmed. 5-2, 30 love. So that brings up 3 set points for the Chinese girl. She's up 5-2, 40 love. Very commanding position. बिल्कुल सही आपने कहा बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में है और उनके लिए सर्विस के ऊपर एडवांटेज भी है उनको जबकि वो 5-2 से बढ़त लिए हुए हैं पहले सेट के अंदर पहली सर्विस फॉल्ट अंपायर का इशारा लेकिन संजीव मैं कहूँगा कि ये कोई लीड वैसी खास नहीं है अगर अभी भी तांडी संभल कर खेलें तो जीत सकती है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन स्पोर्ट्स Of course, I mean, matches are won and lost from the most ridiculous positions. Yeah. Actually, that's a correction there. It wasn't 40 love, it was 30-15. This is a big point, a small window for Thandi at 30 all. A little bit of pressure on the Chinese girl. She went for the winner from way behind the court, so a very difficult shot to execute, Ahmed, from where Thandi was positioned. Was again, as I have repeatedly said, was better off just making the Chinese girl play more balls. बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये देखिए वह सब सर्विस करने के लिए तैयार अपने सेट पॉइंट के ऊपर. पहली सर्विस फॉल्ड. चाइनीज प्लेयर की समय लेते हुए अपने कोर्ट के बाईं तरफ से. बेहतरीन इनसाइड आउट शॉट और इस प्रकार से उन्होंने 6-2 से ये पहला सेट लिया और रबर के अंदर एक एडवांटेज रहेगा चाइनीज़ प्लेयर के ऊपर पहला सेट जीतने के बाद काफ़ी कोशिश करी थानी ने जो है अच्छा गेम का प्रदर्शन दिखाया लेकिन उतना उन्होंने काफ़ी मैं समझता हूँ कि अनफोर्स एरर किए और सर्विस भी उन्होंने डबल फॉल्ट करी 2 बार दोनों प्लेयर जो हैं कोर्ट के ऊपर आ चुके हैं थानी सर्विस करने के लिए तैयार सेट नंबर 2 के अंदर जबकि पहला सेट 6-2 से चीन ने जीत लिया है पहली सर्विस बहुत ही अच्छी फास्ट सर्विस बेहतरीन बॉल पर आ चुकी थी नेट के ऊपर लेकिन बॉल बाहर गई उनसे वाइड शॉट उनका ये पॉइंट जो है गंवाया उन्होंने मैं समझता हूँ कि उनके लिए काफ़ी आसान था जैसा मैं पहले कह रहा था कि अगर अनफोर्स एरर कम करेंगी थांडी तो उनको एडवांटेज होगा और वही उन्होंने इस बार गलती रिपीट करी कि नेट के ऊपर आ तो गई लेकिन जल्दी खेला सर्विस करने के लिए तैयार 0-15 के ऊपर अच्छी सर्विस 15-all 15-15 की बराबरी सेट नंबर 2 गेम नंबर 1 रबर नंबर 1 इंडिया वर्सेस चाइना एशिया ओशियाना जोन ग्रुप 1 टाई बीइंग प्लेड एट आरके खन्ना टेनिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली
बेहतरीन सर्विस एक और पॉइंट थाली के लिए 30-15 13-15 अपनी सर्विस उनको होल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू होल्ड हर सर्विस इन दिस सेट एटलीस्ट शी शुड रियली मेंटेन दिस लीड फ्रॉम इनिशियल स्टेज पहली सर्विस फॉल टांडी की अपने कोर्ट की बाई तरफ से सर्विस करने के लिए तैयार कमेंटेटर बॉस के सामने से बेहतरीन इनसाइड आउट शॉट फोरहैंड शॉट परफेक्ट शॉट प्रशंसा करनी होगी थांडी की गेम पॉइंट फॉर थांडी 40-15 गेम पॉइंट 15 फॉर थांडी नेट के अंदर ये मार के पॉइंट गवाया एडवांटेज टू चाइना सर्विस ब्रेक का एक और मौका चाइनीज प्लेयर के लिए वांग के लिए थांडी को संभल कर खेलना होगा अपनी सर्विस को होल्ड करना है उनके लिए बहुत ही आवश्यक बहुत ज़रूरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू होल्ड हर सर्विस दिस टाइम फिर उन्होंने जल्दी करी संभल कर खेलना चाहिए था और ये अपनी सर्विस उन्होंने गंवाई और ये सर्विस ब्रेक दूसरे सेट के अंदर भी पहले सेट के अंदर भी थांडी ने जो है पहली सर्विस जो है ब्रेक करा ली थी और उनको डिसएडवांटेज हुआ था और इस सेट के अंदर भी उन्होंने अपना सर्विस नहीं होल्ड कर पाई सर्विस ब्रेक हुई उनकी और चाइनीज प्लेयर को एडवांटेज हुआ चाइनीज प्लेयर जो है 6-2 से पहला सेट जीत चुकी हैं दूसरे सेट के अंदर सर्विस ब्रेक करके 1-0 की बढ़त व्हाट विल यू से संजीव अबाउट दिस गेम इन विच शी कुड नॉट यू सी थांडी कुड नॉट होल्ड हर सर्विस वेल शी वाज 40-15 अप सर्विंग फर्स्ट गेम ऑफ द सेकंड सेट इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर हर टू होल्ड बिकॉज it would have been good to keep a nose in front hold in the very first game might have been a little bit of a momentum shift but now the chinese girls come back what better than having a set in the bag and breaking in the very first game of the second set so I think that initiative that thandi could have got having won that first game she's lost that unfortunately bilkul sahi kaha aapne aur unko apni service hold karni chahiye thi pehli service fault chinese player wang ki काफ़ी अच्छा कोर्ट कवरेज इस बार कोशिश करी थानी ने लेकिन असफल नहीं वो बॉल को बैक हैंड से रिटर्न करने के अंदर और ये पॉइंट पड़ा इस प्रकार से चाइनीज प्लेयर वांग को 15-0 की बढ़त सेट नंबर टू गेम नंबर टू जबकि पहला सेट 6-2 से चाइनीज प्लेयर जीत चुकी हैं वांग ये बॉल बाहर थोड़ा सा इनसाइड आउट फोर हैंड से खेलना चाहती थी वांग जो कि बॉल बाहर गई 15-15 की बराबरी 15-all पहली सर्विस फॉल्ट वांग की दूसरी सर्विस करने के लिए तैयार अपने कोर्ट के दाईं तरफ से वांग और ये बाहर फिर अनफॉर्चुनेट थांडी की 30-15 13-15 चाइना लीडिंग 1-0 इन सेट एंड इन गेम सेट नंबर 2-1-0 और ये भी बॉल बाहर थांडी की और गेम पॉइंट चाइनीज प्लेयर वांग के लिए अपनी सर्विस होल्ड करने के लिए उनको एक और एडवांटेज प्रेशर जो है वो भारत के खिलाड़ी थांडी के ऊपर बढ़ता हुआ प्रेशर बेहतरीन शॉट फोरहैंड शॉट और इस प्रकार से ये गेम मिला 2-0 की बढ़त चीन की प्लेयर वांग ले चुकी हैं आप क्या कहेंगे इसके बारे में इस गेम के बारे में संजीव अहमद द चाइनीज गर्ल इज जस्ट वेरी कंसिस्टेंट शी डजंट मेक टू मेनी अनफोर्स्ड एरर्स नॉट गोइंग फॉर टू मच सिंपली एंड थांडी इज टाइम एंड अगेन गोइंग फॉर ब्रोक गोइंग फॉर शॉट्स शी शुड just leave away she's just trying to play beyond
her capability, if you ask me. I think she needs to be, she needs to take some, she certainly needs to take some pace off, and like I've been repeatedly saying, she should mix and match more, perhaps slice a few more balls, maybe come into the net and surprise the Chinese girl, which she's not doing. It's a pretty one-dimensional way of playing, just trading forehands and backhands from the baseline. So, Ahmed, it seems like it's slipping away, isn't it? A set down and two love in love 30. Thandi, केवल 19 वर्षीय खिलाड़ी भारत की ये सर्विस भी फॉल्ट. I think she went for too much on that second serve, Ahmed. She was a lot better off hitting a lot more topspin on that. She went too flat out and served the double fault. बिल्कुल सही कहा आपने. अच्छी सर्विस उनकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि another advantage deuce to for India. I think she should play seriously. काफी समय लेते हुए अपने कोर्ट की दाईं तरफ से सर्विस करने के लिए तैयार. करमन और ठांडी 19 वर्षीय खिलाड़ी भारत की पहली सर्विस फॉल्ट. गुड पॉइंट फॉर इंडिया, एडवांटेज फॉर इंडिया. Crowded her, served into her body. That was a difficult return for the Chinese girl. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. The serve into the body, always a difficult serve to return. Definitely, that's why she got the point. Thandi got the point. बेहतरीन शॉट फॉरहैंड, और ये पहला गेम उनको इस प्रकार से मिला. अपनी सर्विस होल्ड करने में कामयाब ठांडी. 1-2 के इस वक्त जो है ये लीड है अभी बरकरार चाइनीज़ खिलाड़ी के लिए, जबकि चाइनीज़ प्लेयर वांग जो है 6-2 से पहला सेट जीत चुकी हैं. जैसा कि मैं आपसे कह रहा था संजीव, के अगर ठांडी संभल कर खेलेंगी, सर्विस कम फॉल्ट करेंगी, डबल फॉल्ट और कोर्ट कवरेज अच्छा करेंगी, थोड़ा पेस रखेंगे गेम के अंदर स्पीड में, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. वो उन्होंने करके दिखा दिया. जिस तरीके से ये गेम उन्होंने जीता है आसानी से, मैं समझता हूँ इस तरीके से अगर अपनी सर्विस होल्ड करती रही, देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर हर. ऑफ कोर्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी टेनिस प्लेयर, बट दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट होल्ड सिंपली बिकॉज़ इफ शी हैड लॉस्ट दैट गेम, शी वुड हैव बीन टू ब्रेक्स डाउन. द चाइनीज़ गर्ल वुड बी सर्विंग एट 3 लव, सो दैट इज़ इट वाज़ इंपेरेटिव फॉर हर टू होल्ड. एंड आई थिंक 2-1, anything can happen from here. बिल्कुल सही कहा, और ये काफ़ी दर्शक यहाँ पे आनंद लेते हुए, जैसा कि मैंने बताया आर के खन्ना स्टेडियम नई दिल्ली के ऊपर, आज जो है ये भारत और चीन के दरमियान एशिया ओशियाना जोन ग्रुप 1-2 का मैच यहाँ पर चल रहा है. पहला सिंगल्स यहाँ पर इस वक्त जो है वो प्रोग्रेस में है. पहला सेट चाइनीज़ प्लेयर जो है वांग 6-2 से जीत चुकी हैं, जबकि दूसरे सेट के अंदर 2-1 की बढ़त है. अभी इस वाले पिछले गेम के अंदर ठांडी ने बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया, अच्छी सर्विस करी, अच्छा बैकहैंड शॉट, फोरहैंड शॉट, अच्छा कोर्ट कवरेज, अच्छी वॉली, और ये उन्होंने गेम जीता. इस तरीके से अगर वो खेलेंगी तो मैं समझता हूँ कि वो यकीनन लीड को बराबर भी कर पाएंगी और जीत भी पाएंगी. सर्विस करने के लिए तैयार वांग. पहली सर्विस फॉल्ट वांग की अपने कोर्ट की दाईं तरफ से, कमेंटेटर बॉक्स की तरफ से सर्विस करने के लिए तैयार चाइनीज़ प्लेयर वांग. ये बाहर ठांडी का, फिर उन्होंने खड़े खड़े खेलना चाहा, थोड़ा स्टेप लेना होगा, उनको बढ़ना होगा. हालांकि उनकी हाइट ही अच्छी, उनकी लेग्स हैं क्वालिटी टेनिस का. आज यहाँ आर के खन्ना स्टेडियम नई दिल्ली में बेहतरीन फोरहैंड शॉट उठाने के अंदर असफल. ठांडी ने काफ़ी कोशिश करी 2-4 कदम आगे बढ़ के उठाने की, लेकिन वो असफल रहीं क्योंकि काफ़ी तेज़ शॉट था. और गेम पॉइंट वांग के लिए, चाइना के लिए 40-15 गेम पॉइंट फॉर वांग, जबकि 2-1 की बढ़त
वांग पहले ही ले चुकी हैं सेट नंबर दो के अंदर, पहला सेट जीतने के बाद। और ये आउट और गेम मिला इस प्रकार से चाइना को, और 3-1 की बढ़त दूसरे सेट के अंदर, जबकि पहला सेट 6-1 से वांग जीत चुकी हैं। मैं समझता हूँ ठांडी को अपनी इस सर्विस को भी होल्ड करना होगा और आगे भी जो है सर्विस ब्रेक करनी होगी अगर लीड बराबर करनी है और गेम में आगे आना है। अब तक का जो खेल ठांडी ने दिखाया मैं समझता हूँ इस सेट के अंदर अच्छा खासा उन्होंने इम्प्रूव किया है। व्हाट विल यू से संजीव अबाउट दिस गेम? No, certainly she's picked up pace, she's regrouped, she's a lot more consistent in the last couple of games than she has been in the previous set. This is a must-hold service game, Ahmed, for the Indian. For the Indian girl, this particular service game, going down two breaks, would make it very difficult to come back in a match like this. बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ही बेहतरीन एस सर्विस उनकी 15-0 की बढ़त, जैसा कि हम लोग अभी आपस में बात कर रहे थे संजीव के साथ कि अपनी सर्विस को होल्ड करना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ठांडी के लिए, इंडिया के लिए। ये सर्विस फॉल टी से थोड़ा दूर, लॉन्ग सर्विस, 15-0 15-love, गेम नंबर 4, सेट नंबर 2। और बेहतरीन फोरहैंड शॉट, डाउन द लाइन शॉट चाइनीज प्लेयर का, 15-15 की बराबरी नेट के ऊपर जाके, अच्छा कोर्ट कवरेज और अच्छा एंटिसिपेशन वांग का। द चाइनीज गर्ल टेक्स द इनिशिएटिव एंड इफ यू नोटिस व्हेनेवर शी गेट्स अ शॉर्ट बॉल शी हिट्स अ इनसाइड आउट फोरहैंड एंड मूव्स टू द नेट, दैट्स अटैकिंग टेनिस। बिल्कुल सही कहा आपने, वो काफ़ी इनिशिएटिव लेती हैं और उसका उनको एडवांटेज भी अब तक हमें देखने को मिल रहा है कि पहला सेट भी उन्होंने इसी तरीके से जीता 6-2 से, और दूसरे सेट के अंदर भी 3-1 की उनको बढ़त मिली हुई है। सर्विस करने के लिए तैयार 15-15 के ऊपर भारत की ठांडी, 19 ईयर्स ओल्ड अपकमिंग टेनिस प्लेयर। पहली सर्विस फॉल्ट काफ़ी तेज़ सर्विस थी, मैं समझता हूँ तकरीबन 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी रही होगी। और ये मैंने जैसा कहा कि डबल फॉल्ट नहीं करना चाहिए, वो डबल फॉल्ट करने की अभी जो उनकी आदत सी मैं समझता हूँ कि बन गई है, वो उनको छोड़ना पड़ेगी। और ये एडवांटेज इस तरीके से अपोनेंट को मिल जाता है डबल फॉल्ट के लिए, 15-30 के ऊपर सर्विस करने के लिए तैयार, मैं समझता हूँ कि संभल कर उनको सर्विस करनी होगी, डबल फॉल्ट अब रिपीट नहीं करना होगा। पहली सर्विस फॉल्ट, और ये सर्विस हालांकि इजी था रिटर्न के लिए लेकिन बॉल बाहर, और ये फिर एक और ब्रेक पॉइंट का मैं समझता हूँ कि एडवांटेज होगा चाइनीज प्लेयर के लिए 15-40 के ऊपर। देयर वाज अ टोटली अनकॉल्ड फॉर शॉट दैट थांडी वेंट फॉर, देयर अ लो परसेंटेज एंगल फोरहैंड डाउन द लाइन फ्रॉम वेयर शी वाज पोजीशनड एंड एट 15-30 शी वाज जस्ट बेटर ऑफ कीपिंग दैट बॉल इन प्ले। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर क्या किया जाए, जो खिलाड़ी हैं मिस्टेक करते ही हैं। और ये अच्छी सर्विस देखी उन्होंने दोबारा करके दिखाई, ये पॉइंट वाला 30-40 थांडी को, मैंने कहा जैसे कि अच्छी सर्विस करने का उनको प्रयास करना चाहिए, डबल फॉल्ट नहीं करना चाहिए और ऐसे मौके के ऊपर जबकि बहुत ही क्रूशल उनका जो है गेम है पॉइंट है उसमें संभल के खेलना चाहिए। सर्विस करने के लिए तैयार अपने कोर्ट के बाईं तरफ से थांडी, ब्यूटिफुल फोरहैंड शॉट, परफेक्ट शॉट, तारीफ करनी होगी ठांडी की, 40-40 40 ऑल ड्यूज नंबर 1 ऑफ दिस गेम। बहुत ही बेहतरीन शॉट, अच्छा फुटवर्क, अच्छा एक्शन, बेहतरीन क्वालिटी ऑफ द टेनिस वी आर विटनेसिंग दिस टाइम एट आर के खन्ना टेनिस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। सर्विस करने के लिए तैयार ड्यूज के ऊपर ठांडी भारत की, पहली सर्विस फॉल नेट के अंदर, दूसरी सर्विस के लिए थोड़ा समय लेते हुए ठांडी अपने कोर्ट के दाईं तरफ से सर्विस करने के लिए तैयार।
बेहतरीन कोर्ट के ऊपर आके चाइनीज प्लेयर वांग ने पॉइंट लिया, प्रशंसा करनी होगी उनकी। अच्छा कोर्ट कवरेज, अच्छी रैली, एडवांटेज मिला और ये ब्रेक पॉइंट के लिए चाइनीज प्लेयर के लिए मैं समझता हूँ एक और अपॉर्चुनिटी, सर्विस अपनी होल्ड करनी होगी थांडी को। व्हाट विल यू से संजीव? वेल आई थिंक दैट backhand that Thandi hits, it's difficult with a two-handed backhand, with the ball moving away, to still slice and keep it down the line. A tough shot to execute. बिल्कुल सही कहा आपने। सही सर्विस फॉल थांडी की, एडवांटेज है चाइना को कि इनके खिलाड़ी वांग को। टेली सर्विस नेट, एडवांटेज है वांग को। नेट के अंदर गंवाया है पॉइंट, हम अपनी सर्विस जो है इस तरीके से मैं समझता हूँ होल्ड नहीं कर पा रही हैं और ये मिस कर रही हैं और ये सर्विस ब्रेक हो रही है बार बार उनकी, इसका उनको डिसएडवांटेज हो रहा है। और 4-1 की बढ़त चीन के खिलाड़ी वांग को दूसरे सेट के अंदर। मैं समझता हूँ लीड बढ़ती जा रही है और वांग जो है उनको एडवांटेज है इस बात का कि वो सर्विस ब्रेक कर रही हैं, जबकि थांडी को संभल कर खेलना चाहिए। इफ शी हैड हेल्ड व्हेन शी वाज 40-15 अप, दैट वुड हैव चेंज्ड द मोमेंटम ऑफ द मैच। Thandi is returning better than she is playing her service games. If she can break here, she still might have a window. Crowded her there, couldn't do very much with the ball coming right at her. Ahmed. That's a wonderful backhand down the line. One of the best shots of the day. Super shot by Thandi. When she's in full flow, she's a wonderful player to watch. Okay, back to deuce. Things could change if Thandi could just contain herself here. That brings it to a break point. That's another opportunity for Thandi. If the Indian girl can convert here, 4-2, things could look a lot better than what they are right now, Ahmed. Bilkul sahi kaha aapne. Anything can happen if she takes this game. You are perfectly all right, Mr. Sanjeev. Pehli service fault. Wanki. Advantage hai is waqt service break karne ke liye Bharat ko, Thandi ko.
और ये देखिए फिर ड्यूस बैकहैंड से उन्होंने उठाना चाहा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा अपनी जगह से मूव नहीं कर पाती हैं, थोड़ा एक आध स्टेप उनको अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द बॉल शी शुड मूव अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड हाइट ऑफ द बॉल विच शी इज़ नॉट डूइंग. आई थिंक दैट इज़ द डिसएडवांटेज विद हर. और ये बाहर अनफोर्स एरर ठंडी की अच्छी रैली थी. एडवांटेज हुआ इस वक्त वांग के लिए, एडवांटेज टू चाइना. चाइना इज लीडिंग 4-1 इन सेट नंबर 2 आफ्टर विनिंग सेट फर्स्ट 6-2. सर्विस करने के लिए तैयार अपने कोर्ट के बाईं तरफ से पहली सर्विस एडवांटेज के ऊपर. पहली सर्विस फॉल्ट, इशारा लाइनमैन का. अच्छी सर्विस, अच्छा पॉइंट उनके लिए. और एक और 5-1 की बढ़त. मैं समझता हूँ बहुत ही आसानी से ये गेम वांग ने ले लिया चाइनीज खिलाड़ी ने, और प्रेशर जो है सब बढ़ता हुआ भारत के खिलाड़ी 19 वर्षीय ठांडी के ऊपर सर्विस करने के लिए अब तैयार होंगी. ठांडी, व्हाट विल यू से अबाउट दिस गेम? वेल एक्चुअली अहमद, यू टॉकिंग अबाउट प्रेशर हियर. इन अ वे देयर इज नो प्रेशर एट दिस पॉइंट. यू लॉस्ट द फर्स्ट सेट, यू डाउन 1-5, यू गॉट नथिंग टू लूज. इन फैक्ट she could play even more loose going forward from here, more relaxed and just go for a shots. There is no pressure. There's pressure for a person to win when you are at a stage at 5-1, 5-2, 1-5 with a set down. You know, you're a wounded bear. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वांडेड बेयर की वाली बात है. लेकिन कुछ भी हो सकता है गेम में अगर आप संभल कर खेलेंगे, कम अनफोर्स एरर करेंगे, डबल फॉल्ट कम करेंगे और कोर्ट कवरेज अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो है क्वालिटी ऑफ टेनिस जो है वो इम्प्रूव होती है. वही मैं कह रहा था कि अगर ठांडी जो है अनफोर्स एरर कम करें तो उनको काफ़ी एडवांटेज हो सकता है. पहली सर्विस फॉल्ट, 15-0 के ऊपर सर्विस करने के लिए तैयार अपने कोर्ट के बाईं तरफ से कमेंटेटर बॉस की तरफ से. ये बाहर शॉट, मैं समझता हूँ थोड़ा उनका एंटिसिपेशन गलत था, रीच कम थी और 15-15 की बराबरी, जबकि 5-1 की बढ़त दूसरे सेट के अंदर वांग ले चुकी हैं और पहला सेट वो 6-2 से जीत चुकी हैं. सर्विस करने के लिए तैयार अपने कोर्ट के दाईं तरफ से ठांडी. पहली सर्विस फॉल्ट ठांडी की. That's a wonderful cross court, Ahmed. That was a super backhand cross court. Beautiful backhand shot. प्रशंसा करनी होगी ठांडी की. डाउन द लाइन शॉट उनका बिल्कुल बेहतरीन शॉट. 30-15 के ऊपर सर्विस करने के लिए तैयार. ये बाहर बिल्कुल केजुअल उन्होंने लिया इस पॉइंट को, थोड़ा आगे बढ़ के खेलना चाहिए था. 30-30 की बराबरी. मैं वही कह रहा हूँ कि उनको अपनी सर्विस जो है होल्ड करना उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि वो करने में असफल हैं ज़्यादातर. अभी तक उन्होंने अपनी सर्विस को जो है गंवाया है, सर्विस ब्रेक हुई है उनकी, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. 30-30 की बराबरी. अगर अभी भी ये गेम लेती हैं तो गेम थोड़ा आगे चल सकता है ठांडी का. पहली सर्विस एस, बेहतरीन सर्विस अब तक की मैं समझता हूँ, फास्टेस्ट सर्विस. गेम पॉइंट फॉर ठांडी, गेम पॉइंट फॉर इंडिया. गेम नंबर 7, सेट नंबर 2. पहली सर्विस फॉल्ट ठांडी की.
दूसरी सर्विस करने के लिए थोड़ा सा समय लेते हुए अपने कोर्ट के बाईं तरफ से लेफ्ट साइड ऑफ द कोर्ट। अच्छी सर्विस, बेहतरीन सर्विस, और ये इस प्रकार से उनको ये गेम मिला और 5-2 की बढ़त दिस गेम एंड सेट एंड मैच। बेहतरीन सर्विस, लेकिन वही थांडी ने फिर खड़े खड़े खेलना चाहा। जैसा मैं पहले कह रहा था कि थांडी को थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड हाइट ऑफ द बॉल के बाउंस के हिसाब से उनको थोड़ा मूव करना चाहिए। वो खड़े खड़े खेलती हैं तो उनको वो पोजीशन जो है कॉन्टैक्ट नहीं मिलता बॉल और रैकेट का। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन पॉइंट, गेम पॉइंट एंड डेफिनेटली द टाई पॉइंट फॉर चाइनीज प्लेयर। रबर पॉइंट 15, अगर ये पॉइंट लेती हैं तो ये अपना रबर जीतेंगी। वन और इस प्रकार से ये उन्होंने ये पॉइंट लिया, ये सेट लिया और ये रबर लिया। ये वाला मैच जो है था चाइनीज खिलाड़ी ने 2-0 से जीत लिया, 6-2 वेरी इजी मैच आई विल से फॉर चाइनीज प्लेयर।